हिंदी टीचर। और बच्चों आज हम पाठ 7 रंगों का पर्व होली उसका अध्ययन करेंगे। होली का त्योहार तो आप सबको पता ही होगा बच्चों, हम लोग कितनी मस्ती करते हैं, रंगों से खेलते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि होली क्यों मनाई जाती है? चलिए आज हम इस चैप्टर में, इस लेसन में यही जानेंगे। हमारा देश त्योहारों का देश है, यहाँ समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में होली का अपना विशेष महत्व है। आज पिंकी और अनु बहुत खुश थे, वे अपने माता पिता के साथ रंग गुलाल और पिचकारी खरीदने जा रहे थे। बाजार में चारों तरफ रंग गुलाल और रंग बिरंगी पिचकारियों से सजी दुकानें देखने की बनती थी। पिंकी ने मछली के आकार की पिचकारी खरीदी और अनु ने बंदूक वाली पिचकारी खरीदी। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि होली का त्यौहार जो हमारे देश में मनाया जाता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, और इस दिन जैसा कि हम रंगों से खेलते हैं तो वैसे ही इस कहानी में, इस लेसन में जो दो बच्चों को बताया जा रहा है, अनु और पिंकी, ये दोनों भी अपने पिताजी के साथ बाजार गए गुलाल, रंग और पिचकारी खरीदने। पिंकी और अनु दोनों बहुत ही खुश थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और वे रंगों से खेलें। पिंकी ने माँ से पूछा, माँ हम लोग होली क्यों मनाते हैं? माँ ने पिंकी को समझाते हुए बताया, होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन होलिका जलाई जाती है, दूसरे दिन रंग और गुलाल खेला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने फागुन मास के ही दिन पूर्णिमा के दिन प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की आज्ञा दी थी। जैसा कि बच्चों आपने भी अपने मम्मी पापा से सुना होगा, अपने टीचर से सुना होगा कि होली क्यों मनाई जाती है। होली के दिन हम कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और इसी दिन जो राक्षस होलिका थी वह प्रहलाद को अपने जो भाई के बेटे है, जो भाई थे हिरण्यकश्यपु, वह एक राक्षस थे और वह प्रहलाद को कहते हैं कि तुम अपनी बुआ होलिका की गोद में बैठ जाओ, और वो होलिका को वरदान था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती थी। और प्रहलाद से उसके पिता बहुत गुस्सा थे क्योंकि वह प्रहलाद भगवान को अपने पिता से बढ़कर मानता था। इसी वजह से वह होलिका को आदेश देते हैं कि हाँ तुम प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाओ ताकि प्रहलाद भस्म हो जाए। मगर होलिका जब उसे लेकर आग में बैठी तो प्रहलाद भस्म नहीं हुआ, बल्कि उल्टा होलिका का ही वरदान निष्फल हो गया और होलिका ही भस्म हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि होली के दिन हम अच्छाई की जो है जीत होती है बुराई के ऊपर। अगले दिन रंग खेला जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं, फाग गाते हैं तथा एक दूसरे के गले मिलते हैं। पिंकी ने माँ की बात बहुत ध्यान से सुनी। दूसरे दिन प्रातः ही पिंकी और अनु उठ गए, वे अपने अपने पिचकारी और बाल्टी में रंग लेकर घर से बाहर आ गए। बच्चों के पड़ोस के बच्चे गोलू, राजू, चिंटू, रेखा, गीता आदि एकत्रित हो गए। सभी ने एक दूसरे पर खूब रंग और गुलाल डाला। हम लोग भी तो ऐसे ही अपने रंग और गुलाल खेलने के लिए अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, है ना बच्चों? तो वैसे ही पिंकी और अनु ने दूसरे दिन जल्दी उठकर और रंग और गुलाल अपना इकट्ठा कर और अपने जो दोस्त थे पड़ोस के बच्चे गोलू, राजू, चिंटू और रेखा, गीता सभी को इकट्ठा कर लिया कि चलो हम साथ में होली खेलेंगे। पिंकी के माता जी एवं पिताजी से पड़ोस के लोग होली खेलने आए। वे आपस में गले मिल रहे थे और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। उसी समय एक टोली आई जिसमें एक आदमी ढोल बजा रहा था। सभी बच्चे ढोल की धुन पर नाचने गाने लगे। तो क्या हुआ, जब होली खेलने के लिए बड़े लोग बाहर निकले और एक दूसरे को टीका लगाने लगे और एक दूसरे से गले मिलने लगे, तभी टोली गाने वाले आए जो गाजे बाजे बजा के, ढोलक बजा के फाग के गीत गा रहे थे। उनके गीत पर नाचने के बाद अनु और पिंकी नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर अपने मित्रों के यहाँ मिलने चले गए। हम भी तो जाते हैं ना अपने मित्रों।
जाते हैं। रात को बच्चे पिताजी के पास जाकर बैठे, तब पिताजी ने बच्चों को समझाया, बच्चों होली का त्योहार ऊंच नीच छोटे बड़ों का भेदभाव मिटाता है, सभी को एकता प्रेम और स्नेह का संदेश देता है। हमें होली अच्छे रंगों से खेलनी चाहिए, किसी भी कीचड़ ग्रीस या अन्य गंदी चीजों से नहीं खेलनी चाहिए, इससे शरीर की त्वचा को हानि पहुंचती है। कभी कभी आंखों में रंग चले जाने से आंखें खराब होने का भी डर रहता है। बच्चों हमें पता है ना कि हमें कोई भी ऐसी चीजों से होली नहीं खेलनी चाहिए जैसे कीचड़ ग्रीस या पेंट। कई बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे रंगों से होली खेलने लगते हैं जिससे हमारे शरीर को, हमारी आंखों को, हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचता है। तो हमें हमेशा नेचुरल कलर से या शुद्ध रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। पिताजी की बात सुनकर बच्चे बहुत प्रभावित हुए। बच्चों इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन में मिलजुल कर आपसी मेलजोल बढ़ाएं तथा एकता और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा कि जिस तरह अच्छाई पर अच्छाई की जीत होती है बुराई पर होली के दिन, उसी तरह हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, हम इसको रीड करेंगे।